डेगरा में गेहूं की कटनी कर रहे दो भाइयों का अपहरण किया गया, जिससे ग्रामीणों ने आक्रोश होकर पिढौली NH 28 को जाम कर दिया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिढौली पंचायत के वार्ड संख्या 9 निवासी राम शोभित राय के दो पुत्र को अपहरण कर लिया गया, जिसमें उनका पुत्र निकेश राय उम्र लगभग 35 वर्ष, छोटा पुत्र उम्र लगभग 23 वर्ष का है। दोनों भाई गेहूं कटवाने गए थे अपने खेत मकरा दिरा, वहीं अपराधी के द्वारा दोनों भाइयों का अपहरण कर लिया गया, जिसमें छोटा पुत्र छोटू वहां से किसी तरह भाग आया। वहीं बड़ा पुत्र का अब तक लगभग 7 दिन हो गए हैं, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। तेगरा थाना में 13/4/2022 को ही आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया कि थाने में कांड संख्या 94/22 अंकित कर अपहरण कांड में तेगरा थाना के ही 8 लोगों का नामजद किया गया, जिसका पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया गया है। वहीं निकेश को 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार वालों का कहना है कि हमें जिंदा या मरा हुआ निकेश चाहिए और SP साहब और DM साहब यहाँ आए। न पता है नहाथ 7 दिन से, जब तक नहाथ न मिलता तब तक हम रोड जाम करने रह पाए। कोई पुलिस दरोगा, कोई मुखिया, कोई सरपंच नहीं, सबसे पिढौली गाँव सबसे पीछा हुआ, कोई अभियान दिल के मौके 3 दिन का बच्चा है छोट छोट, कोई कुछ नहीं अभी तक बिगाड़ल। जब तक नहाथ नहीं जाए तब तक हम रोड नहीं जाम करना छोड़बे। जे कुछ DSP जो बोलबे कतें बोला लेते ओकरा हम छोड़ब नहीं, कहाँ जब तक होता तब तक हम मरा जिंदा जना होता तना हमारा आन के लिए तब ये कुछ होता बीच कुछ समाधान हो नहीं सके थे यार। सबसे पिढौली जिला तो कोई मुखिया कोई सरपंच कोई कुछ नहीं कैलक, सब लगे अपना साथ मिलल है सब, कोई एहन कुछ नहीं बिगाड़ तलक।